फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप्ता और आप सबका स्वागत करती हूं केयर क्लिनिक में। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट बर्न के बारे में और इस पे इंसाइट देने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर मोलिना खन्ना को। शी इज अ फेमस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आज तक एसिडिटी ना हुई हो। पेट या सीने में जलन और बेचैनी एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन आम लगने वाली ये तकलीफ दरअसल अनकॉमन कारणों से होती है। एसिडिटी ये एक टर्म है जो लेमैन ज़्यादा यूज़ करता है, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। ये लक्षण के लिए यानी सिम्टम के लिए यूज़ किया जाता है पर मेडिकल सिम्टम नहीं है। तो एसिडिटी जब भी पेशेंट्स बोलते हैं तो उनका कहने का मतलब हो सकता है पेट में दर्द होना, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक उसमें दर्द होना, या जलन होना, छाती में जलन होना, डिकार आना, और कभी कभी हेडेक्स, बॉडी एक, उसके लिए भी पेशेंट्स एसिडिटी बोलते हैं। पर ज़्यादा करके ये अपर एब्डोमिनल सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, यानी कि पेट के ऊपर के हिस्से का पेन, डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग और डिकार आना, ये सब चीज़ें को एसिडिटी कहा जाता है। उसके कारण कई हैं। इम्पॉर्टेंट कारण जैसे है, एक तो एसिड रिफ्लक्स है, दूसरा अल्सर डिजीज़ है, तीसरा है जिसको कहा जाता है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, यानी कि उसमें अल्सर भी नहीं होता है, रिफ्लक्स भी नहीं होता है, कोई अंदर खराबी नहीं होती बट सिर्फ सिम्टम्स होते हैं, तो इसको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया कहा जाता है। तो ये तीन मुख्य कारण हैं। पर ऐसे सिम्टम्स कोई और भी सिवियर बीमारी के कारण हो सकते हैं, कभी कभी कैंसर के कारण भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, कभी कभी हार्ट डिजीज़ के कारण भी सडनली ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसको भी एसिडिटी हो वो डर जाए कि हार्ट डिजीज़ है या कैंसर है, पर ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात ज़रूर करना चाहिए। एसिडिटी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सीने, गले या पेट में जलन महसूस होती है। खाने में होने वाली गड़बड़ से एसिडिटी प्रोवोक होती है। इसके अलावा नींद पूरी ना होने से, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने से भी एसिडिटी हो सकती है। ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन से भी एसिडिटी को बढ़ावा मिलता है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए दी जाने वाली मेडिसिंस या एंटीबायोटिक्स भी एसिडिटी को भड़का सकते हैं। कई बार खाने के तुरंत बाद बेचैनी महसूस होती है, पेट फूलने या पेट दर्द के साथ सीने और गले में जलन भी होती है, तो क्या ये भी एसिडिटी का कोई बदला हुआ रूप है? एसिड रिफ्लक्स का मतलब जो नॉर्मल एसिड अपने पेट में होता है, वो सबके पेट में होता है, डाइजेशन के लिए मदद करता है, तो वो रिफ्लक्स होके ऊपर अन्नली में आ जाता है। नॉर्मली अन्नली और पेट के बीच में एक वाल्व होता है, तो ये वाल्व के कारण जो आप खाते पीते हो वो ऊपर से नीचे ज़रूर जाता है पर नीचे से ऊपर यानी स्टमक से अन्नली में नहीं आ पाता। पर जिसका ये वाल्व वीक है तो ये एसिड है जो स्टमक में बनता है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर उसमें सूजन आ सकती है और उसके कारण जलन वगैरह हो सकती है। स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक्सेस एसिड निकलने लगता है जो ईसोफेगस से लेकर चेस्ट तक पहुंचता है और कई बार गले तक भी पहुंच जाता है। मुंह में एक बिटर सा टेस्ट आने लगता है और वॉमिटिंग महसूस होती है। कई बार एसिडिटी की वजह से गला खराब लगता है और इसका असर आवाज पर भी होता है। अलग अलग सिम्टम्स के साथ एसिडिटी प्रोवोक होने का समय भी अलग हो सकता है। कुछ लोग दिन के समय एसिडिटी की शिकायत करते हैं तो कुछ लोग रात में इस समस्या से परेशान होते हैं। जो अल्सर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, खास करके जिसको हम लोग डियोडिनल अल्सर बोलते हैं, इन लोगों में ऐसा देखा जाता है कि ये रात में जब ये ज़्यादा एम्प्टी स्टमक होता है अपना, तभी सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरे जो रिफ्लक्स के पेशेंट्स हैं, रिफ्लक्स यानी जो एसिड नीचे पेट में होता है वो ऊपर आता है, तो जब भी आप लेटते हो तो वो ज़्यादा आसानी से ऊपर आ सकता है, इसलिए सोने पर रिफ्लक्स के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा करके सिम्टम्स रिफ्लक्स के और डियोडनल अल्सर के रात में होते हैं, और बाकी जैसे नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया वगैरह हो वो कभी भी हो सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं। एसिडिटी और खाने के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कई फूड आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें खाते ही एसिडिटी को बढ़ावा मिलता है, इसलिए खान पान में ऐसे फूड्स और ड्रिंक्स को अवॉइड करना बेहतर है। खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, खास करके फैट्स का। फैट्स यानी
तेल, घी, बटर, ये सब चीज़ें जो ज़्यादा चीज़ वगैरह है, जो भी जिसमें ज़्यादा बटर और ये होता है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। दूसरा है स्पाइसी। स्पाइसी खाना जो हमारे इंडियंस में बहुत लोग स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, तो वो ज़रूर डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, खाने पीने में कैफीन है, यानी कि कॉफ़ी टी में जो होता है, इससे भी एसिडिटी बढ़ सकती है, तो वो ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग एंड ड्रिंक्स ऑल्सो, ये भी दोनों चीज़ें एसिडिटी को बढ़ा सकती है, तो वो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिंपल खाना जैसे अपना इंडियन दाल चावल रोटी सब्जी है, जो कम स्पाइसी बना हो या ब्लैंड बना हो और जो कम तेल घी में बना हो, ये आप खाएंगे तो एसिडिटी की शिकायत आपको नहीं हो सकती। एसिडिटी प्रोवोक होने की कई वजहें हो सकती हैं और शरीर पर एसिडिटी का असर भी अलग अलग तरह से होता है, जिसकी वजह से खांसी, जुखाम, सरदर्द, नौजिया जैसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो पहले एसिडिटी से छुटकारा पाना होगा, इसका इलाज करना होगा। एसिडिटी के लिए थोड़ा सा अगर ठंडा दूध पियो या ठंडा पानी पियो तो कई बार सिम्टम्स यानी लक्षण कम हो जाते हैं। दूसरा इलाज घर का ऐसा है कि जो सोडा बाइकार्ब के जैसे पाउडर होते हैं और उसका लिक्विड लेके आप पियो तो थोड़ा सा बर्पिंग हो जाता है, उसके बाद भी रिलीफ मिल जाता है। तो ये है थोड़े कॉमन इलाज, सो जो सब पेशेंट अपने आप सीख जाते हैं, हमें बिना बताए भी कर लेते हैं, तो ये सब करने से थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो कभी कभी एंटासिड्स भी ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने अपना कीमती समय निकाला और इस टॉपिक पे हमारे साथ बातें शेयर की। एसिडिटी के बारे में आज की ये बातचीत काफ़ी इंसाइटफुल रही और कई कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच एंड इट वॉज माई प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस केयर क्लिनिक। इस शो में हर बार एक नई हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में टोटल इंसाइट और एक्सपर्ट की बातचीत से आप भी जुड़िए। जल्दी मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ केयर क्लिनिक। याद रखिए, सेहत है तो सब कुछ है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।